कानपुर हिंसा से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर मिल रही है। कानपुर हिंसा का नया वीडियो अब सामने आया है। हिंसा के दौरान का ये वीडियो सामने आया है जहां सब्जी के ठेले में पत्थर भर के जा रहा था पथराव करने के लिए लोगों का एक ग्रुप। आप तस्वीरें देखेंगे जहां नजर आएगा कि सब्जी के ठेले पर पत्थर भरकर पथराव किया जा रहा था और किस तरीके से आप देख सकते हैं सामने से कुछ लोगों का एक समूह सामने आता है और पत्थर हाथ में लिए हुए हैं, पत्थर फेंके जा रहे हैं और सब्जी के ठेले पर ये पत्थर भरे हुए हैं और यहां से पत्थर उठाकर आगे पथराव किया जा रहा है। ये एक और नया वीडियो सामने आया है कानपुर हिंसा का जुड़ा हुआ। ये सबसे लेटेस्ट वीडियो है जहां सब्जी के ठेले पर पत्थर भरकर पथराव किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर आपको दिखा रहे हैं। हिंसा के दौरान का ये वीडियो है, कानपुर हिंसा का ये नया वीडियो, सबसे लेटेस्ट वीडियो इस वक्त आपके सामने है जहां आप देख सकते हैं सब्जी के ठेले पर पत्थर भरकर रखे गए हैं और यहीं से पथराव हो रहा है। एक बड़ा ग्रुप है लोगों का, एक समूह है जो कि हाथ में पत्थर लिए हुए और सामने फेंक रहा है इन पत्थरों को बकायदा सब्जी के ठेले पर। ये पत्थर भरे हुए हैं जहां से उठाकर पत्थरों से हमला किया जा रहा है और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ज्यादातर युवा अव्यस्त लोग यहां पर नजर आ रहे हैं। कानपुर हिंसा का ये लेटेस्ट वीडियो है जहां आप देख सकते हैं कि एक सब्जी के ठेले पर पत्थर भरकर रखे गए हैं और यहीं से पथराव किया जा रहा है। कानपुर हिंसा का ये नया और एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी गंगा पर आप देख रहे हैं। ज्यादातर युवा इसमें नजर आ रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव वीडियो एबीपी गंगा पर जहां कानपुर हिंसा के कई वीडियो अब से सामने आ चुके हैं इससे पहले, लेकिन ये सबसे नया वीडियो सामने आया है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि इन्हीं वीडियोस के आधार पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है, जो जिन लोगों की पहचान हुई है चिन्हित कर उन पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। लगातार संदिग्धों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है और आप देख सकते हैं हाथों में पत्थर लेकर ये युवा किस तरीके से सामने हमला कर रहे हैं। ताबड़तोड़ पत्थरों की बारिश हो रही है। ये तस्वीरें हैं कानपुर हिंसा की, सबसे नया वीडियो ये सामने आया है। ज्यादातर युवा आप इसमें देखेंगे, जो नई उम्र के यहाँ लड़के हैं वो हाथ में पत्थर उठाए हुए हैं और सामने की तरफ ये पत्थर ताबड़तोड़ फेंके जा रहे हैं और ये भी देखा जा सकता है कि सब्जी के ठेले पर पत्थर भरकर रखे गए और उनसे पथराव किया जा रहा है। ये एक्सक्लूसिव वीडियो कानपुर हिंसा के कई वीडियो सामने आ चुके हैं जिनके आधार पर प्रशासन लगातार कार्रवाई कर रहा है। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं कानपुर हिंसा की, ये तस्वीरें सब्जी के ठेले पर पत्थर भरकर ये पथराव किया जा रहा है। सब्जी के ठेले पर पत्थर लेकर आए और वहीं से उठाकर इन्हें सामने फेंका जा रहा है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ज्यादातर युवा इस तस्वीर में आप देख पाएंगे जो कि हाथों में पत्थर लिए सामने की तरफ फेंक रहे हैं और एक तरह से पत्थरों की बरसात यहां कर दी गई। सब्जी के ठेले पर पत्थरों को इकट्ठा किया गया, इसे लाया गया और उसके बाद ये पथराव हुआ है। कई वीडियोस आपने देखे होंगे लेकिन ये सबसे लेटेस्ट वीडियो कानपुर हिंसा का सामने आया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप एबीपी गंगा पर देख रहे हैं और ये तस्वीरें हैं 3 जून की, 3 जून को जहां नमाज के बाद की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक ग्रुप सामने आता है, सब्जी के ठेले पर पत्थर भरकर लाए जाते हैं और उसके बाद सामने ये पत्थर फेंके जा रहे हैं। ज्यादातर युवा आप इस वीडियो में देखेंगे। आपको बता दें कि अभी तक 18 लोगों की गिरफ्तारी इस पूरे मामले में की जा चुकी है और तकरीबन 1000 लोग हैं, अज्ञात लोग हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। 3 मामले अभी तक इसमें यहाँ FIR 3 मामलों में दर्ज की जा चुकी है, 2 पुलिस प्रशासन की तरफ से और 1 आम शिकायत आई थी जिसके आधार पर अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री की तरफ से भी सख्त आदेश दिए गए हैं, गैंगस्टर एक्ट लगाया जाएगा और साथ ही जो आरोपी हैं वहाँ बुलडोजर चलेगा, उनके घरों पर बुलडोजर चलने की भी बात कही गई है। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, ये CM की ओर से साफ संदेश दिया जा चुका है और साथ ही इसमें जो अधिकारी पाए जाएंगे जिनकी लापरवाही भी अगर सामने आती है तो उन पर भी कार्रवाई
जरूर होगी, ये सीएम की तरफ से साफ कह दिया गया है। फिलहाल ये सबसे ताजा वीडियो आप कानपुर हिंसा का देख रहे हैं, सबसे लेटेस्ट वीडियो ये सामने आया है जहां पर सब्जी के ठेले पर पत्थर भरकर पथराव किया जा रहा है और ज्यादातर युवा इस वीडियो में दिख रहे हैं। और अब देखना होगा कि इस नए वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस कितने लोगों की पहचान कर पाती है और इन पर कार्रवाई होती है। सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए अब हमारे संवाददाता रतीश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रतीश, ये एक और नया वीडियो सामने आया है और जिस तरीके से देखा जा सकता है कि सब्जी के ठेले पर पत्थर भरकर लाए गए, क्या तैयारी पहले से थी? बिल्कुल, देखिए पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, साक्ष्यों को संकलन कर रही है और साक्ष्यों के रूप में पुलिस ने इस वीडियो को भी लिया है। तमाम वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे भी आ गए हैं और तमाम वीडियो पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू करने के बाद साक्ष्यों के रूप में अपने पास ले लिए हैं। और ये वीडियो एबीपी गंगा सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है, जिसमें साफ तौर पर यह एस्टैब्लिश हो रहा है कि कैसे ठेले पर पत्थरों का जमावड़ा लेकर पत्थरों को लेकर के आगे बढ़ा जा रहा है, पथराव किया जा रहा है और ये सोची समझी साजिश की तरफ इशारा करता है। ये ऐसे अनप्लान नहीं हो सकता, यानी ये पूरी तरीके से साजिश रची गई थी कानपुर को हिंसा में झोंकने के लिए और उन्माद फैलाने के लिए। उपद्रव किया गया, उपद्रवी जिस तरह से ठेले पर पत्थर लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, उससे साफ हो जाता है कि एक सोची समझी साजिश थी। ये बंद का कॉल नहीं था, बंद के कॉल से ज्यादा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली एक सोची समझी साजिश थी, उसकी रणनीति बनाई गई थी। और इसके तमाम वीडियो, तमाम साक्ष्य एबीपी गंगा अपने दर्शकों को दिखा रहा है और ये एस्टैब्लिश हो रहा है इन सब चीजों से। जो पुलिस के अधिकारी है वो भी ये कह रहे हैं कि ये सोची समझी साजिश के तहत ये काम किया गया है। एक ऐसे दिन किया गया जब देश के शीर्षस्थ संवैधानिक पदों पर बैठे प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, राज्यपाल, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ये सब कानपुर शहर में थे और इसी दिन को इसलिए खास तौर पे चुना गया था। जुमे की नमाज के बाद उन्मादी भीड़ आगे बढ़ी, नई सड़क की तरफ बढ़ी और चंद्रेश्वर हाते तक बढ़ी और हाते के अंदर तक लोग घुस गए। दुकान बंद कराने से बम चले और उपद्रव, सड़क पर हिंसा का नंगा नाच किया गया। पुलिसकर्मी वहां पर बेसहारा थे, बहुत कम की संख्या थी, बहुत 6 से 7 पुलिसकर्मी थे जो हजारों की भीड़ को संभालने के लिए तैनात थे। धीरे धीरे करके पुलिस फोर्स वहां पर बढ़ी क्योंकि वीवीआईपी मूवमेंट था। समाजवादी पार्टी ने भी इसे एक इशू बनाया है, ट्वीट करके पॉलिटिकल गेम हो रहे हैं। आपसे कुछ देर पहले हमने कानपुर के विधायक अभिजीत सिंह सांगा से भी बात की तो उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि यह सोची समझी साजिश है और साजिश के तहत ये पूरा प्लान किया गया, कानपुर में हिंसा की गई और अब उनको चिन्हित किया गया है। फिलहाल अब से कुछ देर पहले कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर विजय कुमार मीणा, उनसे हमारी बात हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, 40 लोग, 3 FIR की गई है, 40 नेम्ड है और 1000 लोगों पर बलवा हिंसा करने पर मुकदमा किया गया है जो वो अज्ञात हैं। इससे आगे बढ़ते हुए चूंकि राष्ट्रपति हैं, अब से कुछ देर बाद राष्ट्रपति इसी रास्ते से हम आपको दिखाएं, राष्ट्रपति इसी रास्ते से आने वाले हैं, मर्चेंट चैम्बर के बाहर हम खड़े हुए हैं। राष्ट्रपति का दौरा जैसे ही कानपुर में खड़ा होगा, पुलिस के अधिकारी साफ तौर पर कह रहे हैं कि ताबड़तोड़ छापेमारी और कार्रवाई को अंजाम दिया जाएगा और उन लोगों को चिन्हित करने का काम कर लिया गया है और किया भी जा रहा है। तमाम साक्ष्यों को संकलित किया जा रहा है, वीडियोस को खंगाला जा रहा है, जो वीडियोस पुलिस को मिल रहे हैं उनमें से चेहरों का चिन्हांकन किया जा रहा है और उन सबको बख्शा नहीं जाएगा। गैंगस्टर की कार्रवाई होगी, उनके घरों पे बुलडोजर चलाने की कार्रवाई की जा रही है और ये सभी कार्रवाई अंजाम होगी। चूंकि देश के सबसे बड़े पद पर बैठे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कानपुर में हैं, उनका अपना शहर है, इसलिए उनके कार्यक्रम को शांतिपूर्वक अंजाम दिलाने के बाद पुलिस अपनी कार्रवाई को और ज़्यादा तेज करेगी। लेकिन ऐसे और तमाम वीडियो सामने आते रहेंगे, बताइए ठेले में रख करके पत्थर को लेकर के बढ़ रहे हैं उन्मादी, आगे उपद्रव कर रहे हैं और लगातार पत्थराव किया, जो कुछ सामने आया सबको तोड़ दिया। क्या ये पुलिस प्रशासन के संज्ञान में आ चुका है? क्या इसके आधार पर कोई बयान उनका आया है इस नए वीडियो पर? क्या कुछ लोगों को चिन्हित अभी तक किया गया है या फिर संभावना है? चेहरे क्योंकि लगभग साफ दिख रहे हैं, तो क्या ऐसे में इस पर जल्द से जल्द कार्रवाई हो सकती है इस नए वीडियो के आधार पर? बिल्कुल बिल्कुल हो रही है, पुलिस ने अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाया, कागजी कार्रवाई को दुरुस्त करते हुए साक्ष्यों को संकलन करने का काम बाकायदा चल रहा है और साक्ष्यों को संकलित करने के बाद जैसे ही राष्ट्रपति का दौरा खत्म होगा, कानपुर से वो रवाना होंगे, उसके बाद पुलिस ताबड़तोड़ कार्रवाई करेगी। चिन्हित कर लिया गया है, कई व्यक्तियों को चिन्हित किया गया है, कई ऐसे चेहरों को चिन्हित किया गया है जो इस भीड़ में, उपद्रवियों की भीड़ में प्रमुख चेहरों के रूप में सामने आए थे और उनके लिए टीम्स का भी गठन किया गया है। ताबड़तोड़ कार्रवाइयाँ होंगी,
छापेमारी होंगी और उन सभी उन्मादियों और उपद्रवियों को पकड़ा जाएगा जिन्होंने कानपुर के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की, कानपुर में हिंसा का नंगा नाच किया और खेल रचा, साजिश की रणनीति रची और रणनीति के तहत कानपुर को हिंसा की आग में झोंक दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।